9 तारीख को 9 जून को जम्मू में जो ये आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो श्रद्धालु दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी का, उनकी गाड़ी पर 4 नकाबपोश लोगों ने हमला किया, जिसमें 10 हमारे तीर्थयात्री डेथ हो गई और 37 लोग घायल हैं। और यह कायराना हमला जो किया है इस्लामिक आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ हम लोग भर्तना कर रहे हैं और एक पत्रक हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया है, जिसमें हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि सरकार को कड़े निर्देश दें कि इस तरह की आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समूल इनका नाश हो सके। ये 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर से यह एक बड़ी कायराना घटना है। पूरा देश इससे हाथ है, पूरा समाज गुस्से में है और उस गुस्से का प्रतिकार करने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज कचहरी में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है डीएम को, और आतंकवाद का पुतला हम लोगों ने आज दहन किया है। और सरकार से मांग करते हैं कि यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम लोग सीधे समाज में आगे बढ़ के इसका प्रतिकार करेंगे। जो नौ तारीख को एक कायराना घटना घटी आतंकवादियों के द्वारा और श्रद्धालुओं की बस में हमला किया गया, हमारे जो श्रद्धालु जो वहाँ मारे गए या मर गए आतंकवादियों के कारण हरकत के कारण, हम आज राष्ट्रपति महोदय के माध्यम यहाँ से अपने जिला कचहरी के माध्यम से एडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं, ताकि वो क्या कहते हैं उनका उस प्रकार से खून का बदला, खून का जवाब वहां पर लिया जाए। केंद्र सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने छोटे बच्चों दुधमुहे बच्चों को मारे हैं, वैसे ही हालत उसी प्रकार के उनके प्रतिकृत किया जाए, ताकि आतंकवादियों को उनके कर्मों को याद आए कि हमने क्या किया है। यही मांग हमने क्या कहते हैं यहाँ पर एडीएम साहब से की है। पुतला आतंकवाद का था, आतंकवाद का पुतला था। हमने मैसेज दिया है कि जिस प्रकार से हम यहाँ जलाए हैं, वैसे वहाँ पर केंद्र सरकार के माध्यम से उनको भी जलाया जाए। लवलेश बजरंगी, विभाग गोरक्षा प्रमुख।